समझाओ थोड़ा सा, मेरे को समझ नहीं तो आया हूं। नहीं तो मैं भी चूज करता हूं ना, आई पिक पीपल ब्रो। तो जेल चूज किया था या खुद ही? अबे कितना रीयूज करोगे बेचारे के जेल जोक को, कंपोनेंट थोड़ी है जो तुम उसे रीयूज ही करते रहो। कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट के अंदर? इट्स अ कोड जो कि तुम रीयूज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि ये कोड है और मैं इसको 100 बार रीयूज कर सकता हूँ। अब रीयूज तो कर लिया है बट कितना हॉचपॉच हो गया। इंस्टेड मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक कॉम्पोनेंट बना सकता हूँ जिसको मैं फिर रीयूज कर सकता हूँ, जैसे कि फंक्शन होते हैं नॉर्मल, राइट। सो अभी मेरे पास क्या है, एक डिव है, ये एक बॉक्स बना हुआ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, कंपनीज का अपने हिसाब से होता है, बट द मोस्ट कॉमन वन बताता हूं। सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लो, कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अंदर अब जो भी तुम्हारा कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल मेरा कंपोनेंट का नाम है बॉक्स डॉट जो भी एक्सटेंशन होगी, लेट्स से TSX इन माय केस, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट, चाहिए होगा तो बताना। तो इसने एक ये बॉक्स कंपोनेंट क्रिएट कर दिया और यहां पे मेरा कोड आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो पेज है मेरा जहां पे मुझे बार बार रीयूज करना है उस कंपोनेंट को, वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा क्योंकि एक्सटेंशन आई एम यूजिंग। तो अगर मैं बॉक्स डालूंगा तो इसे पता है कि कंपोनेंट्स के अंदर बॉक्स है, एंड डन, कितना क्लीन हो गया। बट इसको अगर मुझे 100 बार चलाना है तो पहले कितना गंदा लग रहा था, अभी कितना क्लीन है। सो दिस नाउ बॉक्स इज अ कंपोनेंट एंड ऑल सेट।